हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? ऑल इज वेल, मजे में, एकदम फिट एंड फाइन, ग्रेट। चलिए स्क्रीन पे नजर डालते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर्स मेरे राजा बेटा जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सो वी हैव प्रियल, वी हैव मेघा, हुमा खान, रिचा, सार्थक, सुरभि, विशाल, रीना, दीपांशु, फैज, सार्थक, प्रिया, दाविनी, राहुल, ललिता, ग्रेट। काफी नए लोग भी हैं आज, कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं पहली बार देख रहा हूँ स्क्रीन पे, सो दैट मींस नए लोग भी हैं आज हमारे साथ, दैट्स वंडरफुल। डॉक्टर सचिन जॉन, कैसे हैं आप बेटा जी? ऑल इज वेल। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए अपने साथ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो का लिंक आगे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं अभी तक तो वो भी जुड़ जाएं। राइट, ठीक है जी, तो नजर डालते हैं फिर से एक बार स्क्रीन पे। सो वी हैव पायल आल्सो, डॉक्टर डिंपल, आमिर, दीपांशु, शिवाली, सरफराज, ध्रुपद, ग्रेट ग्रेट, ऋषभ त्यागी, इमरान, अनीता जी, ग्रेट, वंडरफुल। बड़ी खुशी होती है आप लोगों को देख करके मुझे, जब आपसे मिलता हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पे। रियली आई रियली फील एक्साइटेड। मैं इंतजार करता हूं कि कब बजेंगे चार और कब हम लोग आमने सामने होंगे। ग्रेट, सो लगभग 200 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, दैट्स अ रियली रियल नाइस नंबर, ग्रेट। चलिए आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कार्डियक साइकिल, एक तो मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ हार्ट, ये सब क्या होता है। हार्ट चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड आगे पंप करते हैं, वही 5 लीटर खून जो है बार बार हार्ट में दौड़ता रहता है। देन हम ये भी जानेंगे हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या है, एंजाइना क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मींस डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स भी हम डिस्कस करेंगे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इतनी बेहतरीन जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है जी, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फिर लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा। मेरे क्रेडेंशियल है जी आपके सामने, अब हम एक दूसरे को जान चुके हैं तो इस कहानी की कोई खास जरूरत नहीं है, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। टेलीग्राम का ऐप अपने सेलफोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज इस ऐप के जरिए आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। देन अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म जरूर जरूर एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज प्लस के ऊपर कोर्सेज तो नए शुरू हो ही चुके हैं, एंड प्लस पे हमने आपके लिए 7 डेज का फ्री ट्रायल, राइट। आज आप में से बहुत से लोग क्लास में थे, देयर वाज रोशनी, देयर वाज कोमल अहलावत, नैतिक आल्सो, सो वही नाम जब मुझे प्लस पे नजर आते हैं तो आई रियली फील हैप्पी कि बच्चे जो है यूट्यूब पे हमें देखते हैं और उसके बाद प्लस में भी जुड़ना चाहते हैं। आप लोग अगर इस समय भी क्लास में हैं, नैतिक एंड कोमल एंड मिंती आल्सो, मिंती यू आर आल्सो देयर, आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहां पे अब चैट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए बाकी बच्चों के साथ कि आपको कैसा लगा है प्लस का प्लेटफॉर्म, बिकॉज जो आप जेन्युइन फीडबैक दोगे ना बच्चे उस पे भरोसा करेंगे, उस पे यकीन करेंगे। आप हमारे कहे पे मत चलिए, जिन लोगों ने प्लस की क्लास अटेंड करी है, प्लस की, उनसे पूछिए, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लीजिए। क्लियर है ना जी? बिल्कुल। कनीज फातिमा, यू विल एग्री विद मी। अनुराधा जी, हुमा यू आर आल्सो देयर। हुमा, आपको भी एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना चाहिए। हुमा ने मुझे मैसेज भी भेजा है, मैंने टेलीग्राम पे देखा है अभी थोड़ी देर पहले। चलिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके पास होना चाहिए, एंड प्री मेडिकल नीट एम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं राजा बेटा, एंड अनलॉक द 7 डे फ्री ट्रायल। सुनहरी मौका है, इसे जाने मत दीजिए, ठीक है जी। चलिए, जब आप फाइनली सब्सक्रिप्शन के लिए डिसाइड करेंगे तो ये नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा, बिकॉज ये कोड जब आप यूज करते हैं तो हमारी टीम की तरफ से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। ओके, राइट। चलिए, आप कहेंगे सर रोज हमें ये जानकारी देते हैं, भाई मेरा फर्ज बनता है ये जानकारी आपको देने का, बिकॉज बहुत से लोग प्लस में जुड़े हैं, एंड वाकई ही फायदे वाली बात है ये। मुझे भी 20 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में पढ़ाते हुए, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, और उसके बाद जब फाइनली इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आपके साथ एसोसिएटेड हैं, तो वाकई ही अगर हम कॉस्ट वाइज देखें ये आपको बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली पड़ता है। आपको इतने सारे एजुकेटर्स, टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको मिल रहे हैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे, तो क्यों ना फायदा उठाया जाए, राइट। चलिए, प्यारी सी कोटेशन मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, ये गमले में से पौधा निकलता हुआ धीरे धीरे, आई रियली लाइक इट। तो मैंने कहा भाई आज ये लगाया जाना चाहिए बच्चों के लिए, यू विल ग्रो, डेफिनेटली यू विल ग्रो, इट जस्ट टेक्स टाइम। समय तो लगता है ना, एक आपने बीज बोया है, उसमें आप पानी देते हैं, खाद डालते हैं, उसे धूप में भी रखते हैं, समय के साथ साथ वो पौधा बनता है, डेफिनेटली आप सब में ग्रोथ होगी, बस
रिसेप्टिव जरूर रहिए, आपको चीजों को रिसीव करना है, एक अच्छे लिसनर बनना है, राइट? अच्छे लिसनर बनेंगे तभी आप अच्छी चीजें सीख सकते हैं, वरना बोलने के लिए तो मुंह है ही, आप नॉन स्टॉप इस टंग के स्केलेटल मसल को चला सकते हैं। एग्रीड? ठीक है जी, चलिए एक बार फिर से मैं स्क्रीन पर नजर डालना चाहूंगा कि कौन कौन है, और कुछ नए लोग जो थोड़ा सा लेट भी जुड़ते हैं, कई बच्चों की आदत है कि सर हम तो थोड़ा सा लेट आएंगे क्लास में। वी हैव जी नीमा, वी हैव मेघा, पुनीता, बाबू तुलसी। बाबू तुलसी भी रेगुलर हो चुके हैं, मैसेजेस भी करते हैं, और जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता है तो आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूं। तंजिल खान, हाबिजुर, वैशाली, दामिनी, दामिनी इज ऑल्सो रेगुलर स्टूडेंट। अनुराग श्रीवास्तव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, कोई नाराजगी तो नहीं है आपको मुझसे? चलिए 300 के करीब लोग जुड़ने वाले हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द क्लास। एक अच्छा माहौल बन चुका है, आप मोटिवेट भी हो चुके हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब भी आप मुझसे मिले, बायो वायो तो जो है भैया वो तो पढ़ा ही देंगे, नो डाउट, वो तो एकेडमिक्स है, एक अच्छे इंसान बनना भी बहुत जरूरी है। तो जो कुछ बातें मैंने अपने जीवन में सीखी हैं, या कह लीजिए मैंने पढ़ी हैं, या मैंने किसी से सुनी है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं, ताकि आपकी लाइफ की ग्रोथ में कहीं ना कहीं आपके काम वो जरूर आएंगी। राइट जी, चलिए इसी बात पे लाइक्स जल्दी से दबा दीजिए जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं दबाया है वीडियो का, और मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए एक बेहतरीन सा लेक्चर जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल। कुछ एनिमेशंस भी लेकर के आया हूं आज आपके लिए, बिकॉज आपको पसंद आती हैं एनिमेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी कार्डियक साइकिल। नाउ लिसन, कार्डियक साइकिल से क्या मतलब है हमारा? देखिए, हार्ट जब एक बार बीट करता है, एक सिंगल बीट में कॉन्ट्रैक्ट भी करा, रिलैक्स भी करा, जो भी इवेंट्स हुए हैं वही इवेंट सेम नेक्स्ट हार्ट बीट में रिपीट होते हैं। सो ये जो साइक्लिकली रिपीट हो रही हैं हार्ट के अंदर होने वाली इवेंट्स, इन्हीं को कार्डियक साइकिल कहते हैं। दिल एक बार धड़का, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुआ, अगली बार फिर वही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो द वेरियस इवेंट्स विच अकर इन हार्ट बीट, देखिए various events which occur in heartbeat during one heartbeat in the heart during one heartbeat, these are repeated in the same cyclical order during next heartbeat. जो एक बार हुआ है वही तो बार बार हो रहा है, और इसी cyclical repetition को cardiac cycle कहते हैं। This cyclical repetition of various heart events constitute cardiac cycle. ठीक है जी, कार्डियक साइकिल में मुख्य रूप से दो इवेंट्स हैं, एक आप जानते हैं सिस्टोल और दूसरा आप जानते हैं डायस्टोल। सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। जब मैंने हार्ट चैम्बर्स कह दिया तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों पे एप्लीकेबल है, यानी जब हम सिस्टोल की बात करते हैं तो सिस्टोल एट्रिया में भी है, सिस्टोल वेंट्रिकल्स में भी है। जब हम डायस्टोल की बात करते हैं यानी रिलैक्सेशन, तो वेंट्रिकल भी डायस्टोल में जाते हैं, एट्रिया भी डायस्टोल में जाते हैं। तो इसलिए हमने जनरलाइज करके लिख दिया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स सिस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स डायस्टोल। क्लियर है इतना? बिल्कुल सिंपल टर्म, सिस्टोल डायस्टोल। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। कार्डियक साइकिल टाइमिंग जो है दैट इज 0.8 सेकंड्स। अब ये 0.8 सेकंड्स हमने कैसे कैलकुलेट करा भाई? 60 सेकंड्स होते हैं, और 60 सेकंड यानी 1 मिनट, एक मिनट में आपका दिल 72 बार धड़कता है, 72 बीट्स हैं, तो हमने एक के लिए टाइम निकाल दिया, 60 को 72 से डिवाइड कर दिया, 60 डिवाइडेड बाय 72 गिव्स यू 0.8। क्लियर है जी? सो यानी 0.8 सेकंड्स में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाता है, रिलैक्स भी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसी 0.8 सेकंड में ये कहानी हो रही है। अब हमने इस 0.8 सेकंड का ब्रेकअप देखते हैं कि एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट करे वो कितनी देर के लिए। तो इधर देखिए मेरे बेटा जी, मैं आपके लिए एक रफ रिप्रेजेंटेशन बना देता हूं हार्ट की। आप कहेंगे कि सर आप हमेशा ऐसा ही हार्ट बनाते हो। वेल, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। चलिए, ये रहे वेंट्रिकल्स, ये रहे एट्रिया, ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एवी वाल्व्स हैं, राइट जी? सो एट्रिया ये रहे, दीज टू चैम्बर्स आर एट्रिया, दीज आर वेंट्रिकल्स। जो एट्रिया का सिस्टोल है 0.1 सेकंड, एट्रिया केवल 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद वो 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। ये इंडिविजुअल टाइमिंग्स आपको याद रखने हैं। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड,
Atria ka diastole 0.7 second. Ventricular systole 0.3 seconds. Ventricles ka diastole 0.5. Joint diastole pe abhi baad mein aata hun. Atria mein systole kaise hoga? Yahan pe SA node hai, the pacemaker of the heart. This pacemaker of the heart, it generates electrical current. ये autorhythmicity है, आप जानते हैं, ये modified cardiac muscle fibers है, ये जो pacemaker है heart का, जिसको हमने SA node कहा है. SA node से electrical signals आते हैं, और heart जो है, वो contract करता है. So, atria, ये दोनों chambers कहेंगे, भाई हम सिर्फ 0.1 second के लिए contract करते हैं, और 0.1 second के लिए contract करके, they are sending the blood to the ventricles. Atria contract करें, फिर वो रिलैक्स हो गए 0.7 सेकंड के लिए. सो ये टाइमिंग आपको समझ आ गया. हमने 0.8 का ब्रेकअप जो है वो कैसे कर रहे हैं बाबू तुलसी जी. सुरभि, शिवेंद्र, शंभू ने लिखा है वेंट्रिकल डायस्टोल 0.3, बिल्कुल ठीक लिखा है जी आपने. देन अनुराग श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सर हार्ट इज द स्ट्रांगेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी. स्ट्रांगेस्ट के सेंस में ले रहे हैं, हार्ट कोई लोड थोड़ी उठा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे जा रहा है. तो आपने स्ट्रांगेस्ट इसको किस सेंस में कहा बेटा जी, जरूर बताइएगा. शिवेंद्र कह रहे हैं नेचुरल पेसमेकर, बिल्कुल ठीक है आपने. मोहम्मद हम्माद, इट इज पेसमेकर बेटा जी, राइट. महिमा जी आपकी ड्राइंग भी अच्छी है, दैट्स रियली ग्रेट, कभी कोई पिक खींच करके जरूर भेजिएगा. क्लियर है, वेरी गुड. तो गिरीश जी भी कह रहे हैं कि हमें क्लियर हो गया. सो बेटा जी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है मैं यहां पर लिख देता हूं. कार्डियक साइकिल टाइमिंग कितनी है? सो हमने लिखा कि कार्डियक साइकिल टाइमिंग जो है 0.8 सेकंड. कैसे कैलकुलेट करा? 60 सेकंड्स को 72 बीट्स के साथ डिवाइड कर दिया. 0.8 सेकंड में एक साइकिल पूरा हो जाता है. उन्हीं 0.8 सेकंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर गए, और उन्हीं 0.8 सेकंड्स में वेंट्रिकल भी तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर गए. तो ये जो 0.1 सेकंड है एट्रिया का सिस्टोल, फिर 0.7 सेकंड के लिए वो रिलैक्स कर गए. जब एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं, अब आप रिलेशन देखिए, दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं. एट्रिया अब रिलैक्स कर रहे हैं और उसी समय में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं ना इवेंट. ये एट्रिया कहेंगे हम रिलैक्स कर रहे हैं, और अब ये वेंट्रिकल्स कहेंगे कि भैया अब हमारी बारी है कॉन्ट्रैक्ट होने की. तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा जी 0.3 सेकंड्स के लिए. वेंट्रिकल्स 0.3 सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें. अब आप ध्यान से सोचिए, जिस समय में वेंट्रिकल्स 0.3 सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसी समय में एट्रिया ने अपनी रिलैक्सेशन के 0.3 सेकंड्स बिता लिए. समय तो वही रहेगा, उसी समय में दोनों चीजें होनी है. एट्रिया ने रिलैक्स कितनी देर के लिए होना है? 0.7 के लिए. वेंट्रिकल ने कहा कि भैया तुम रिलैक्स करो तब तक, और उसी समय में हमें कॉन्ट्रैक्ट होने दो. 0.3 के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, तो यानी एट्रिया ने अपने रिलैक्सेशन के लिए के 0.3 बिता लिए हैं. ठीक है. नाउ अब वेंट्रिकल 0.3 के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 0.5 के लिए रिलैक्स होने जा रहे हैं. तो अभी एट्रिया की रिलैक्सेशन का भी तो 0.4 बचा है ना. उन्होंने सिर्फ 0.3 ही तो बिताया था अपनी रिलैक्सेशन का, जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के साथ कोइंसाइड करा. तो अभी एट्रिया की रिलैक्सेशन के जो 0.4 सेकंड्स बचे हैं, वही 0.4 सेकंड्स वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन वाले टाइम के साथ कोइंसाइड करें. तो इसीलिए मेरे बेटा जी ये जो जॉइंट डायस्टोल का टाइम है ये हुआ 0.4 सेकंड्स. सो जॉइंट डायस्टोल वह समय है जब हार्ट के सभी चैंबर्स रिलैक्स्ड हैं 0.4 के लिए. बताइए क्या ये कंसेप्ट आपको समझ आया है? अभिषेक जी क्लियर हुआ, संयोगिनी, सुचित्रा, शहबाज, हुमा खान, हां जी बताइए जल्दी से. शहबाज अख्तर, हुमा खान जी, ऋतिक, आयुष जी कह रहे हैं कि मैं आपकी आवाज जो है अक्सर हेडफोन में सुनता हूं. थैंक यू आयुष जी, थैंक यू सो मच, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको सुनाई देना चाहिए, वेरी गुड. तो सब बच्चों ने लिख करके भेजा है कि यस सर फंडा क्लियर हो गया, दैट्स वंडरफुल. चलिए फंडा क्लियर रहना चाहिए, ज्यादा लोगों को जोड़िए. आप जल्दी से वीडियो को और लोगों तक जरूर भेजिए साथ के साथ. अगर आपका फायदा हो रहा है लेट अदर्स ऑल्सो बेनिफिट, एंड लाइक करना मत भूलिएगा. अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे उतने लाइक्स नहीं दिख रहे मुझे जितने आप जैसे जबरदस्त ऑडियंस होने के साथ साथ
होने चाहिए। चलिए देखिए मेरे बेटा, लेट्स कम बैक। एक क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ, कार्डियक साइकिल टाइमिंग 0.8 सेकंड, इसका ब्रेकअप हमने याद करा, एट्रिया सिस्टोल 0.1, एट्रिया डायस्टोल 0.7, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3, वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5, और ज्वाइंट डायस्टोल यानी वो समय जब सभी हार्ट चैम्बर रिलैक्स्ड हैं, दैट इज 0.4 सेकंड्स। तो हम अक्सर ये कहते हैं ना कि हार्ट लगातार बीट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। आप अगर उसे बहुत माइन्यूट लेवल पे समझेंगे तो आप देखेंगे कि हार्ट रिलैक्स भी करता है 0.4 सेकंड के लिए हर बीट में, राइट? चलिए वंडरफुल। आप देखिए, आप कहेंगे कि सर आज आप गोल्डन हार्ट ले आए, पिछली बार हार्ट जब ब्लैक कर दिया था हमने तो आप लोगों ने एतराज किया था उस पर, सो दिस टाइम आई हैव अ गोल्डन हार्ट फॉर यू। नाउ सी, आप देख पा रहे हैं दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट, SA नोड, हार्ट का पेसमेकर। ये देखिए, पेसमेकर ऑफ हार्ट से इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है और वो पूरे हार्ट में जा रहा है, और आप दूसरी तरफ साथ के साथ देख सकते हैं कि ECG में कौन कौन सी वेव्स आ रही हैं। ECG समझते हैं ना, हमारी बॉडी जो है एक कंडक्टर की तरह है, हार्ट से जो करंट निकला है पूरे शरीर में फैलेगा। अगर आप सेंसिटिव माइक्रो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर देंगे जगह जगह पे, उसको पिक कर सकते हैं आप उन इलेक्ट्रोड्स के जरिए पिक करके, और उसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिस मशीन से किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नाउ, अब मैंने दोनों चीजें यहां पे रिलेट करके क्यों बताई, ताकि हम एक रिलेशन में समझ पाए कि एट्रिया का सिस्टोल जब हुआ है, व्हेन द एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग, व्हाई दैट कॉन्ट्रैक्शन हैज स्टार्टेड, बिकॉज SA नोड व्हिच इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज, इधर देखिए मैं पढ़ने जा रहा हूं, आपको समझाने जा रहा हूं एट्रियल सिस्टोल के बारे में। SA नोड डिस्चार्जेस कार्डियक इंपल्स व्हिच रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। Now you can see in this animation, SA node discharges electrical impulse which results in contraction of atria 0.1 second के लिए। यहां पे ये बात important है, atrial depolarization, it forms P wave in the ECG। जैसे ही यहां से करंट जेनरेट हुआ, अगर आप साथ के साथ ECG परफॉर्म कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपको ECG में ये P वेव नजर आएगा, पहला वाला, ये जो थोड़ी सी देर के लिए एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, PQRST, ये ECG की वेव्स के नाम है, इनकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती। ये मत सोचिए P stands for something, Q stands for something, नहीं, ये ऐसे ही स्टैंडर्ड नाम आपको याद रखने हैं। सो जब एट्रियल सिस्टोल हुआ है, SA नोड से करंट निकला है, उस समय आपको ECG में साथ के साथ मशीन से, अगर आपने कनेक्ट कर रखा है ECG मशीन से, तो आपको P वेव नजर आएगा। P वेव इज द फर्स्ट अपवर्ड डिफ्लेक्शन, राइट? उसके बाद हम देख रहे हैं क्यू वेव भी है नीचे, देन आर वेव जिसका एम्पलीट्यूड आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है ऊपर की तरफ, देन SNT, सारी चीजें आगे डिस्कस करनी है, डोंट वरी। अब आप मुझे बताइए, इतना क्लियर है आपको जितनी बात मैंने आपको बताई है जी? पेसमेकर स्टॉप हो जाएगा तो फिर भाई कहानी खत्म हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा, आप जानते हैं ये बात, पेसमेकर ऑफ हार्ट जो है वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है मेरे राजा बेटा। मैंने आपको एट्रियल सिस्टोल बताया, एट्रियल सिस्टोल टाइम 0.1 सेकंड, रीजन फॉर एट्रियल सिस्टोल, द SA नोड डिस्चार्जेस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस व्हिच इज रिकॉर्डेड एज पी वेव इन द ECG एट द सेम टाइम, राइट? अब हम बढ़ते हैं कि एट्रिया ने जब कॉन्ट्रैक्ट करा तो कॉन्ट्रैक्ट करके आगे क्या भेजा, ब्लड ही तो भेजा। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू सेंड ब्लड टू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स पहले से खाली तो नहीं है, वेंट्रिकल्स ऑलरेडी कंटेन ब्लड, सर्टन अमाउंट ऑफ ब्लड, सो देखते हैं कितना ब्लड वेंट्रिकल्स में होता है और उसमें एट्रिया का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। सो इफ यू हैव लाइक्ड दिस स्लाइड तो ATPs आते रहने चाहिए मेरी तरफ आपकी लाइक्स की फॉर्म में। ATP इज द एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सो क्रिस्टल क्लियर हो गया है हुमा खान जी को, थैंक यू सो मच हुमा बेटा। इधर देखिए, अब आगे एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट होना वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड पहुंचा रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स 25 ml ऑफ ब्लड टू ईच वेंट्रिकल विच ऑलरेडी कंटेन 105 ml ऑफ ब्लड। वेंट्रिकल्स कोई पहले से खाली तो नहीं पड़े होंगे,
उनमें ब्लड तो होगा ना बेटा जी, तो मैं आपके लिए यहाँ पे फिर से एक दिल बनाता हूँ। आप कहेंगे कि सर हमेशा आप ऐसा वाला हार्ट ही बनाते हैं क्योंकि ये आसान रहता है, ऐसे देखिए, राइट मेरे बेटा जी। सो मैं ये दिखाने जा रहा हूं कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे हैं। सो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने को मैं ऐसे एरो से दिखाता हूं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दिस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हैज सेंट ब्लड टू वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम ने राइट वेंट्रिकल को, लेफ्ट एट्रियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड दिया। कितना ब्लड दिया? 25 ml, 25 ml। क्या पहले से वेंट्रिकल्स खाली थे? नहीं, पहले से भी तो ब्लड भरा होगा। सो 105 ml ब्लड पहले से था, इसमें भी 105 ml, इसमें भी 105 ml। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ने 25 ml एडिशन कर दिया, तो 25 जमा 5 कर देते हैं, तो कितना ब्लड हो गया? जैसे ही एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन खत्म करा तो मैं कह सकता हूं ईच वेंट्रिकल में बताइए कितने ml ब्लड हो जाएगा। आपके सामने लिखा है द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 130 ml। 105 पहले से था, 25 ml एट्रिया ने भेज दिया। बड़े ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करें, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रीब्यूट 25 ml ब्लड टू ईच वेंट्रिकल, राइट को भी 25, लेफ्ट को भी 25। वेंट्रिकल्स ऑलरेडी कंटेन 105 ml ऑफ ब्लड ईच वेंट्रिकल। सो अब वेंट्रिकल ने अपना डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन पूरा करा है। आप समझिए कि ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वेंट्रिकल की रेफरेंस में है। सो व्हाट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम? यहां पे एट्रिया के तो सिस्टोल की बात हो रही है, लेकिन जो वॉल्यूम डिफाइन हुआ है वो वेंट्रिकल की रेफरेंस में हुआ है। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और ये होता है 130 ml। एंड दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। बताइए इतनी बात क्लियर हुई मेरे राजा बेटा? अनीता जी, सौर्या, प्रमोद, डिंपल, बुशरा, उमर, कृष्ण, हाँ जी जल्दी से बताइए, आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, दैट्स वंडरफुल, नया लैपटॉप मिला गया, इतने खुश हो रहे हो। हाँ जी बताइए मेरे बेटा जल्दी से, इज दिस कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर? आई वॉन्ट यू टू राइट, मैं आपका मैसेज पढ़ना चाहता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। क्लियर है जी? राइट जी, टीचर्स डे की विशेस आप एडवांस में दे रहे हैं, धन्यवाद, कल आपसे मिलेंगे टीचर्स डे पर भी, डेफिनेटली मिलेंगे। राजेश जी, दीपांशु जी, क्लियर है? मेघा, सचिन, जॉन, इतने सारे हार्ट्स भेज रहे हो आप। अमन, भूषण, हिरल, अनुराग, ग्रेट जी, सब बच्चों को क्लियर है, आई एम सो हैप्पी। राइट जी, चलिए फिर इसी पे जबरदस्त लाइक ठोकिए। सो वी हैव 372 पीपल हु आर वॉचिंग लाइव राइट नाउ, and I want the likes to cross 500 today, and it's just because of you. आप करेंगे इसे तब मजा आएगा, जल्दी से ATP energize कर दीजिए मुझे, और मैं next slide पे चल रहा हूं जिसमें step by step आपके लिए slides दिखाई गई हैं। सबसे पहला देखिए number 1 पे, right? यहां पे systole दिखाया गया है इधर, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्शन दिखा दिया गया है, कॉन्ट्रैक्शन किस किस चीज का दिखाया है, या यू कैन सी इन दिस डायग्राम, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करा है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अभी इसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आएगा ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रिया का सिस्टोल हमने पढ़ लिया, एट्रिया में सिस्टोल होने के बाद एट्रिया डायस्टोल में चले गए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए, एट्रियल सिस्टोल हमने पढ़ लिया, 25 ml ब्लड दे दिया। नाउ द एट्रिया दे एंटर इनटू रिलैक्सेशन, एट्रियल डायस्टोल, और उसी समय में तो वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होना है। अब आपको बात समझ आई, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम एट्रिया के डायस्टोल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, एट्रिया 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स हो गए, वेंट्रिकल्स ने कहा कि भैया तुम रिलैक्स कर रहे हो, अब हमारी बारी है, उसी समय में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम आपको पता है, दैट इज 0.3 सेकंड्स। नाउ
वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? ऐसे नोड से निकली हुई इंपल्स अ बंडल ऑफ हिज के जरिए पहुंच जाएगी पूरे परकिंजे फाइबर्स में. हमने पढ़ा था दिस इज एसे नोड, दिस इज एवी नोड. एसे नोड इज कनेक्टेड टू एवी नोड बाय थ्री इंटरनोडल ट्रैक्स. फ्रॉम एवी नोड देर इज बंडल ऑफ हिज, द राइट बंडल ब्रांच एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच, एंड दीज आर परकिंजे फाइबर्स. This is the nodal tissue of the heart. ये वाली चीज हम पढ़ चुके हैं. So SA node से, this is SA node. SA node से impulse आ गई AV node तक, AV node से impulse आ गई AV bundle तक, AVB. और उसके बाद Purkinje fibers, which are modified cardiac muscle fibers. Purkinje fibers तक पहुंची, परकिंजे फाइबर्स पे पहुंची तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया उन्होंने. वही बात हम कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सो वेंट्रिकल्स दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल इज ओवर. जैसे ही एट्रिया ने अपना कॉन्ट्रैक्शन पूरा कर लिया तो अब वेंट्रिकल्स ने कहा कि भैया अब हमारी बारी है, तो ये वाले वेल्व्स जो है वो बंद हो जाने चाहिए. और वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत करी. वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड्स के लिए होगा. और वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड किसे भेजना है? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड कॉरस्पॉन्डिंग वेसल्स में भेजना है. आप जानते हैं वेंट्रिकल जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 70 ml ब्लड आगे भेजता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, 70 ml. टोटल ब्लड वेंट्रिकल में कितना है? राइट वेंट्रिकल हैज 130 ml, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑल्सो हैज 130 ml. अब इसने कितना आगे पंप कर दिया? 70 ml. तो 130 में से 70 माइनस हो गया, बाकी बच जाएगा इनके पास 60 ml. तो यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाने के बाद जब उसने स्ट्रोक वॉल्यूम आगे पंप कर दिया है, स्टिल ईच वेंट्रिकल हैज 60 ml ऑफ ब्लड. एग्रीड? और इसी 60 ml को जो बच गया है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कह देते हैं, कि वेंट्रिकल ने सिस्टोल भी कर लिया और तब भी 60 ml ब्लड बच गया. क्लियर है जी इतना? भारती, शिवम, सर्वेश, निकिता, प्रमोद, शिवेंद्र, ऋचा, सचिन, हुमा, स्ट्रोक वॉल्यूम सही लिखा आपने, श्रेया, प्रमोद, विशाल, अंश, सार्थक, क्लियर है जी? राइट, मिंती, आंचल, वैशाली, गिरिश, विशाल, निकिता, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. सो सब लोग कह रहे हैं जी हमें क्लियर है. अब मैं पढ़ देता हूं स्क्रीन पे लिखा क्या है आपके लिए. वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल इज ओवर. इन द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और द कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग बट दे आर नॉट शॉर्टनिंग. शुरुआत में वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं पर अभी शॉर्ट नहीं हुए. आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन कह देते हैं उसे. दिस इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. शुरुआत की वो स्टेज जब वो कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स डेवलप कर रहे हैं बट अभी शॉर्ट नहीं हुए हैं, दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. ऑल द हार्ट वेल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस टाइम. इस समय हार्ट के सारे वेल्व्स क्लोज्ड हैं. जब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि सेमील्यूनर वेल्व्स खुल जाएं. सेमील्यूनर वेल्व्स कहां हैं? पल्मोनरी ट्रंक के बेस पे और आयोटा के बेस पे. तो वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग दैट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट दे आर एबल टू ओपन द सेमील्यूनर वाल्व्स. तो 70 ml ब्लड ईच वेंट्रिकल पंप कर देगा और उसी 70 ml को आप स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं. यही है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कहानी. देखिए बेटा जी क्लियरली लिखा है यहां पर, अंडरलाइन भी कर देता हूं आपके लिए. When pressure in ventricles becomes high enough to open the semilunar valves, जब pressure इतना सक्षम हो जाएगा कि semilunar valves को खोल पाए, तो 70 ml of blood, 70 ml of blood is ejected from each ventricle, and this is what is called stroke volume. At the end of ventricular systole, now read this sentence carefully. 70 ml blood pump कर देने के बाद भी बच जाता है ना कितना? 60 ml. 60 ml is present in each ventricle. 130 था,
130 में से 70 दे दिया, 60 बच गया. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ESV और द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. तो यहां पे आपको कुछ टर्म्स समझ आ गई, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल राइट. जल्दी से मुझे बताइए इफ इट इज क्लियर टू यू. आई विल बी हैप्पी टू नो दैट. मेरी नजर इस समय स्क्रीन पे है, आपके मैसेजेस की तरफ देख रहा हूं, मुझे इंतजार रहेगा. जल्दी से बताइए, कम ऑन क्विकली. बुशरा कह रही है 120 ml. ओके, प्रमोद ने कहा 45. अच्छा, आप भी पूछ सोच रहे हो गए कि अब वो जो 60 बच गए से फिर ये दोबारा जो है कैसे हो जाएगा 105 ml. वो हो जाएगा ज्वाइंट डायस्टोल के समय, जब ऑल दी हार्ट चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, एट्रिया से ब्लड डायरेक्टली फ्लो करता हुआ वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जो 60 ml था अब 45 ml ब्लड दोनों तरफ 45 इधर 45 इधर भर के उसको फिर से 105 कर देगा. और वहीं से कहानी हमने शुरू करी थी. एग्रीड? बोलिए जी. सादिक, प्रेरणा, मुस्ताक, प्रीति, मेघा, डिंपल, विशाल, प्रवीण, साकिब, प्रमोद, ग्रेट. चलिए, हाँ, जो हम वॉल्यूम्स डिफाइन कर रहे हैं, द वॉल्यूम्स आर डिफाइंड विद रेफरेंस टू द वेंट्रिकल्स, वेदर इट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वेदर इट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. ये जो ESV, EDV लिखा है, दिस इज विद रेफरेंस टू वेंट्रिकल्स. मैंने बताया था आपको, एट्रिया को बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं मानते. भाई आप खुद ही सोच के देखिए, अब ये जो बच गया है हमारे पास 60 ml ब्लड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इसी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ने 60 से अब 105 हो जाना है, यानी जो 45 ml ऑफ ब्लड इसमें ऐड होना है वो कोई एट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन से तो नहीं हुआ. वो तो तभी हो गया जब ऑल दी हार्ट चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड. इसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल ही तो आएगा बेटा जी, राइट? इधर देखेंगे, ज्वाइंट डायस्टोल. सो ज्वाइंट डायस्टोल में ही तो ये सब हो गया. ड्यूरिंग दिस फेज बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड. द हार्ट वेल्व्स जो है AV वेल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स आर ओपन एंड द सेमीलूनर वेल्व्स आर क्लोज्ड. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर 70 ml ब्लड दे चुके हैं, अब उनके अंदर का प्रेशर कम हो गया. जब वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो गया तो ऊपर से AV वेल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व खुल जाएंगे, ब्लड अपने आप पैसिवली फ्लो करने लग जाएगा. सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ एट्रिया से होता हुआ सीधा वेंट्रिकल में, और उधर पल्मोनरी वेन्स में से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम से सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल. तो 45 ml ब्लड ज्वाइंट डायस्टोल के समय भर जाएगा. Atria are receiving the blood from great vessels and passing on to the ventricle through the AV valves. Joint diastole वाली बात clear हुई? कितने ml blood आ जाएगा? 45 ml. और कहानी फिर से शुरू हो जाएगी atrial systole से. देखिए हमने clearly लिखा है आपके लिए 45 ml of blood. ये देखो, 45 ml of blood enters each ventricle during this phase, so their volume shoots to 60 + 45, यानी 105 ml. This can be framed as a question in NEET, ध्यान रखिएगा. Atrial contraction, very very important. Atrial contraction does not contribute much to ventricular filling. आप agree करेंगे इस बात से? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट होना कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है वेंट्रिकल्स को ब्लड से भरने के लिए. भाई एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने के बिना ही 105 ml ब्लड तो उनमें पड़ा ही है. वो तो बिल्कुल एंड में जाके एट्रिया एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं और 25 ml ब्लड और ऐड हो जाता है. अब आप एक बात सोच के देखिए, मान लीजिए वो जो 105 ml ब्लड पड़ा था, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट होना था बट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, एक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मिस हो गया. एक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मिस हो जाने से कोई मुसीबत तो नहीं आएगी? वेंट्रिकल्स आर ऑलरेडी कंटेनिंग 105 ml ऑफ ब्लड, और उस 105 ml ब्लड में से वेंट्रिकल्स को जब पंप करके ब्लड आगे भेजना है तो उन्हें 70 ml ही तो देना है, 70 ml ही तो स्ट्रोक वॉल्यूम है.
राइट सो मैं यही बताना जा रहा हूं कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट मच टू द वेंट्रिकुलर फिलिंग. एक बीट मिस भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, जो 25 ml देना था भैया ना दो, अभी भी 105 है हमारे पास, 105 में से 70 ml आगे भेजना है तो हम भेज देंगे. 70 ml आगे भेज देने के बाद जितना बाकी बच जाएगा वो फिर से डायरेक्ट पैसिव फ्लो के कारण वापस वॉल्यूम यहां आ जाएगा. सो इसीलिए मैंने कहा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अ मेजर फैक्टर इन वेंट्रिकुलर फिलिंग. एट्रिया आर कंसिडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट वेसल्स. क्लियर है? मुझे बताइए ये फंडा आपको समझ आया है? हाँ जी बोलिए जी जल्दी से. हुमा खान, देवांशी, बाबू तुलसी, पुनीता, रॉनी, शिवेंद्र, सार्थक, जहर. क्लियर? सार्थक ये क्या वर्ड था, जहर? हाँ जी बिलाल अहमद जी क्लियर है. गिरीश, मुस्कान, ऋषि, गुलनाज, रूपाली, अभिषेक, डिंपल, ऋषभ. ऋषभ कुमार मैंने नाम ले लिया आपका, नाराज मत होइए मेरे बेटा. जैसे ही मेरी नजर स्क्रीन पे पड़ेगी अगर आपका नाम फ्लैश हो रहा होगा तो मैं जरूर लूंगा. इसलिए एक्टिव बने रहिए वीडियो देखने में भी और साथ के साथ अपने रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए. ठीक है? क्लियर? राइट. आपने कहा सिर्फ 30%, अरे हल्का सा ही तो कॉन्ट्रीब्यूट करा है उन्होंने. तो इसीलिए हम कहते हैं एट्रिया ने कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया है वेंट्रिकल्स को फिल करने के लिए. अब ये प्यारी सी स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें आप सिक्वेंशियल वे में इसका अगर आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो वो भी आपके लिए इजी रहेगा. हार्ट में होने वाली सारी इवेंट्स को यहाँ पे एक साथ दिखा दिया गया है. एट्रियल सिस्टोल बिगिंस, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन फोर्सेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इन टू द वेंट्रिकल्स, एट्रियल सिस्टोल एंड्स एंड द एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट्स. वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फर्स्ट फेज, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का सेकेंड फेज, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल का लेटर फेज. तो आप इसको एक साइक्लिकल वे में इस तरह से समझेंगे. आई रिक्वेस्ट यू कि जब वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद पीडीएफ निकाल के एक पेज पे प्रिंट निकाल लीजिएगा इसका, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा. ठीक है जी? हाँ जी देवांशी, नीता, आशीष, सरताज, शहबाज. ओके अनुराग श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच जी. हाँ बिल्कुल जी. अभिषेक आपका क्या डाउट है बोलिए, भेजिए जरा, अगर हम यहीं पे सॉल्व कर पाए तो जरूर करेंगे. थैंक यू सो मच विभा, यू आर लाइकिंग द डायग्राम्स, ग्रेट. हाँ जी पूर्ण भारद्वाज ने मुझे कहा है कि मेरा नाम लीजिए जल्दी से. बस ये प्लेटफॉर्म हम इसीलिए डेडिकेट कर देते हैं कि हम एक दिन यहां पे आएंगे और बस सबके नाम लेते रहेंगे. चलिए ब्लड प्रेशर, कार्डियक साइकिल की कहानी खत्म हुई. कार्डियक साइकिल में हमने क्या जाना, वेरियस इवेंट्स विच अकर इन हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, दे आर रिपीटेड इन द सेम साइक्लिकल ऑर्डर ड्यूरिंग नेक्स्ट हार्ट बीट. This cyclical repetition of various heart events constitute cardiac cycle. Clear है जी? जिसमें atrial systole, atrial diastole, ventricular systole, ventricular diastole and joint diastole, इन सब के timings हमने जाने. Overall total cardiac cycle timing 0.8 second है. 60 को हमने 72 से divide करा 72 से और हमें cardiac cycle timing मिला. अब आप इसमें सोच के चलिएगा, मान लीजिए आप तेजी से दौड़ रहे हैं, आपका heart rate बढ़ जाता है. जब आपका heart rate बढ़ के 100 हो गया तो बताइए cardiac cycle timing क्या हो जाएगा. चलिए मेरे question का जवाब दीजिए. If the heart rate increases to 100, what will be the cardiac cycle timing? If the heart rate increases to 100, what will be the cardiac cycle timing? Come on, quickly. अंश आपका जो सवाल है वो आप अलग से मुझे प्लस के प्लेटफॉर्म पे पूछ लीजिएगा. बोलिए जल्दी से. If the heart rate increases to 100 beats per minute, तो कार्डियक साइकिल टाइमिंग कितना हो जाएगा? दीपांशु ने कहा है 60. ओके बाकी किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक. कुछ बच्चे कह रहे हैं 60 डिवाइडेड बाय 100, वेरी गुड, ठीक कह रहे हैं आप.
राइट जी, सफल शर्मा जी आपका नाम जरूर लेते हम, आप साथ के साथ आंसर भी तो दो, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को अपना नाम मशहूर करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, बताइए। वेरी गुड, 0.6 बोला है बहुत लोगों ने, ग्रेट ग्रेट। सो कार्डियक साइकिल टाइमिंग कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, जितना एक सेकेंड, एक मिनट की बात हो रही है ना, 60 सेकेंड, हार्ट रेट डिवाइड कर देंगे उसे, 60 डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, पहले 72 से करा था अब 100 से कर दीजिए, तो जैसे जैसे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा कार्डियक साइकिल टाइमिंग तो कम हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। वेरी गुड, क्लियर, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, गिरीश, अनुराग, शाबाज, सबने सही जवाब दिया, वंडरफुल, ग्रेट। चलो अब मैं आ जाता हूं ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर क्या है बेसिकली? इट इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। पहले हम एक ब्लड वेसल दिखा लेते हैं ऐसे यहां पे, से दिस इज अ ब्लड वेसल, राइट? नाउ द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, ध्यान दीजिएगा, ब्लड वेसल की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज द लेटरल प्रेशर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टर्मिनल प्रेशर कि सामने को क्या प्रेशर लग रहा है, नहीं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। नॉर्मल वैल्यू कितना लेते हैं? 120/80, हम ऐसे लिख देते हैं, 120/80, 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। ये नॉर्मल वैल्यू है, राइट? एक हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल में अगर आप तेजी से दौड़ेंगे या स्ट्रेस में आ जाएंगे तो ब्लड प्रेशर चेंज होता है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम होना हाइपोटेंशन, राइट? आप यहां पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर हम यूज करते हैं, बीपी एपरेटस भी जिसे हम कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर और द बीपी एपरेटस, ब्लड प्रेशर एपरेटस। तनु सिंह, अभी जो टॉपिक चल रहा है बेटा, पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड, अगर नहीं लग रहे तो आप छोड़ सकते हैं, जब आपको आपके पसंद का टॉपिक दिखेगा आप तब अटेंड कर लीजिएगा, है ना? राइट, इधर देखिए, ब्लड प्रेशर हम स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। आजकल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स भी हैं घर में अवेलेबल, जो पहला ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इस तरीके से करते हैं, कफ लगाते हैं, उसे इन्फ्लेट करते हैं एक सर्टन डिग्री तक, एंड देन वी मेजर इट। क्लियर है जी? इट इज मेजर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ब्रैकियल आर्टरी बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। दिस स्फिग्मोमैनोमीटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीपी एपरेटस, ब्लड प्रेशर एपरेटस, ठीक है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक का प्रेशर पल्स प्रेशर कहलाता है, 120 और 80, 120 में से 80 माइनस कर दीजिए, यू गेट 40 mm ऑफ मर्करी, दैट इज व्हाट इज योर पल्स प्रेशर। पल्स क्या होता है वो भी समझाऊंगा आपको अभी। रेशो जो है, रेशो ऑफ सिस्टोलिक इज टू डायस्टोलिक इज टू पल्स प्रेशर इज 3:2:1, राइट? यानी 120, 80 और 40, ये है रेशो सिस्टोलिक डायस्टोलिक का। हाइपरटेंशन है जब आपने बार बार ब्लड प्रेशर चेक करा है, और बार बार ब्लड प्रेशर चेंज चेक करने पर अगर हायर वैल्यू आ रही है, आप देख रहे हैं, आपने ये देखा होगा ट्रेडिशनल जो है बीपी अपरेटस, इधर देखिए ये एनिमेशन है, मर्करी का लेवल किस तरह से ये चेंज हो रहा है। अभी आप देखिए, ये 80 था, ये नीचे तक आ गया है, तो इट इज वेरी लो। अभी देखिएगा दोबारा से, राइट? कफ इज बीइंग इन्फ्लेटेड, और कफ को इन्फ्लेट करते 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 ये अगर बहुत ऊपर तक गया तो वेरी हाई है, देन वी रिलीज द एयर, 120 पे आकर के नॉर्मल सिस्टोलिक और 80 पे आके नॉर्मल डायस्टोलिक। एक एक चीज क्लियरली दी है इसमें दी हुई, लेक्चर अपलोड होने के बाद इसको आप स्लो मोशन में भी चला के देख लीजिएगा, हो सकता है आप में से कितने लोग सीख जाएं ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करना। नाउ व्हाट इज हाइपरटेंशन? If it is the term for the blood pressure that is higher than normal, 120/80 से अगर ज्यादा आए, यानी if repeated checks, यानी बार बार चेक करने पे 140/90 या उससे ज्यादा है, 140/90 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे पेशेंट हाइपरटेंसिव है। हाई ब्लड प्रेशर होना बहुत नुकसानदायक है, इट कैन लीड टू हार्ट डिजीजेस विच कैन अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन एंड किडनीज ऑल्सो।
हाई ब्लड प्रेशर रहने के कई कारण हो सकते हैं। अगर पेशेंट कोई अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहा है या रेगुलर रिपीटेड विग्रेस एक्सरसाइजेज हो रही हैं किसी किस्म की, सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, सो देयर कैन बी सो मेनी रीजंस फॉर हाई ब्लड प्रेशर। ओवरवेट जो है, अगर ओबिसिटी है, उसमें भी ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा रह सकता है। सो हाइपरटेंशन इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। एंड बेटा जी, hypotension, hypo, H-Y-P-O, hypotension is decrease in blood pressure. तो दो values हमने यहाँ पे समझी, hypertension and hypotension. नताशा जी, बुशरा, अंश, clear है? Right, शंभु, सर्वेश, प्रिया, अंकित, शाहबाज, विशाल, सार्थक, वैशाली, सचिन, जॉन सिर्फ दिल भेजते हैं, जवाब नहीं देते हैं किसी चीज का। इतने दिल फेंक मत बनिए सचिन, आई रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड आंसर द क्वेश्चंस। जस्ट इसीलिए नहीं कि आपका नाम प्रायोरिटी पे दिख जाए लोगों को और आपका नाम ले लिया जाए, नो, आप होना ये चाहिए कि मैं ये कहूं कि मैक्सिमम आंसर्स आपके सही हैं और सबसे सेंसिबल क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। राइट जी, क्रिस्टल क्लियर। ध्रुपद ने कहा हाइपोटेंशन, जब 120/80 से कम रहे ब्लड प्रेशर बार बार चेक करने पे, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। सो दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादा रहना भी नुकसानदायक है और बीपी कम रहना भी नुकसानदायक है। राइट मेरे राजा बेटा, ठीक है। चलिए अब आप इधर इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, यहां से ब्लड इजेक्ट हुआ और यहां पे हम पल्स फील कर रहे हैं। पल्स, अच्छा, ब्लड प्रेशर हम जनरली लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी में लेते हैं, आप राइट में भी ले सकते हैं, लेफ्ट में एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। ब्लड प्रेशर आप अपनी लेग से भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की टेबल पे जाके अपनी टांग रखेंगे उससे बेटर है कि आप अपना हाथ रख दीजिए, है ना, यू विल अंडरस्टैंड दैट। सो ब्लड प्रेशर आप लेफ्ट वाली जब आर्म से, लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी से लेते हैं तो वहां पे एक्यूरेसी ज्यादा आती है, ठीक है, राइट। चलो अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं, दैट इज पल्स, नब्ज कहते हैं ना जिसे, पल्स। पल्स क्या है? हार्ट में से ब्लड इजेक्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं, ब्लड वेसल की वॉल में इलास्टिसिटी है, जब एक झटके के साथ ब्लड उसमें से निकलेगा तो ब्लड वेसल की वॉल इलास्टिक होने के कारण इस तरह से रिक्वायल करेगी, फिर वापस आएगी। जहां पे भी वेसल सुपरफिशियल हो जाएगी, थोड़ा स्किन में ऊपर की तरफ आएगी और उसके पीछे हड्डी का एक सॉलिड बैकग्राउंड होगा, तो वहां पे आप वो वेव ऑफ डिस्टेंशन, वो पल्सेटिंग सेंसेशन महसूस कर सकते हैं। पल्स जो है हम जनरली अपनी ब्रैकियल आर्टरी से ले सकते हैं, रेडियल आर्टरी से ले सकते हैं, आपका अंगूठा जो है, थंब जो है ना, अंगूठे के बेस पे यहां पे हड्डी की सॉलिड बैकग्राउंड होती है और यहां पे आप पल्स फील कर सकते हैं। यहां पे दबा के देखिए, डॉक्टर्स यहां से पल्स फील करते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है इधर से ही करना है, आपको दोनों तरफ दिखेगा। और पल्स जरूरी नहीं है कि आप अपने अंगूठे के बेस वाली आर्टरी से ही लें, मैंने बताया था यहां कैरोटिड आर्टरीज जो हैं, कैरोटिड साइनस बताए थे ना, यहां पे भी पल्सेटिंग सेंसेशन है। कई बार आपने फील किया होगा कि हमें यहां पे टेम्पोरल रीजन के पास भी एक पल्सेटिंग सेंसेशन महसूस होती है, टेम्पोरल आर्टरी से पल्स फील कर सकते हैं, कैरोटिड आर्टरी से कर सकते हैं, यहां पे ब्रैकियल आर्टरी होती है, यहां पे भी पल्स फील कर सकते हैं, पैर के पास टिबियल आर्टरी होती है, वहां भी पल्स फील कर सकते हैं। क्लियर है मेरे राजा बेटा? सो हम पल्स कई जगहों से फील कर सकते हैं। पल्स रेट अगर ज्यादा है तो मतलब हार्ट रेट ज्यादा है। पहले हम समझते हैं पल्स है क्या। पल्स इज वेव ऑफ डिस्टेंशन फेल्ट इन द मेजर आर्टरीज विद ईच हार्ट बीट। जैसे जैसे दिल धड़केगा वैसे वैसे पल्सेटिंग सेंसेशन आपको फील होगी। सो पल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, मैंने उन मेजर आर्टरीज के नाम लिखे हैं जहां जहां आप पल्स महसूस कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हमने आर्टेरियल सिस्टम पढ़ा था, आयोटा, आयोटा से निकलने वाली ब्रांचेस, तो मेजर मेजर आर्टरीज के नाम बताए थे। अब आप समझे कि क्यों वो नाम जानना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज तो आपको रटना पड़ता, आपको ध्यान ही नहीं था। रेडियल आर्टरी बाजू में होती है, टेम्पोरल आर्टरी यहां टेम्पल रीजन में, कैरोटिड आर्टरी नेक रीजन में बताई थी, ब्रैकियल आर्टरी बाजू में है, टिबियल आर्टरी जो है वो टिबिया बोन के पास है। तो आप इन सभी मेजर आर्टरीज में पल्स फील कर सकते हैं। पल्स को फील करके आप पेशेंट की हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं, ठीक है जी। नहीं, वो कोई पल्स रेट डिफर नहीं करेगा बेटा, वहां पे बराबर ही आएगा, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है जी? नीता, मुस्कान,
Satish, Sarvesh, Punita, Priya, Huma, Vishal. Huma, aaj tumhara naam to mashhoor ho gaya. Aaj kitni baar maine aapka naam liya hai. Because you are a very regular student aur aap classes mein, I don't think so, tumne kabhi bhi koi class miss kari hogi. Now you have become very active on plus group also. Pulse plus, dekho, matching ho gaya, rhyming ho gaya. Well, pulse ke baare mein phir se hai aage. Reason for pulse. Pulse ka karan kya hai? Pehla, elasticity of the blood vessel wall. Dusra karan. Second is, intermittent ejection of blood from the heart. हार्ट से जो ब्लड निकलता है जैसे जैसे दिल धड़क रहा है इंटरवल्स में तो ब्लड फोर्स के साथ पंप हो रहा है ना ब्लड वेसल की वॉल इलास्टिक है ब्लड वेसल की वॉल इलास्टिक होने के कारण इस तरह से वो फैल जाएगी और फैल होके फिर फैल के दोबारा से रिकॉइल करेगी इसलिए आपको वो पल्सेटिंग सेंसेशन महसूस होगी जहां भी कोई आर्टरी सुपरफिशियल हो जाएगी स्किन के पास और पीछे उसके बोन का एक सॉलिड बैकग्राउंड होगा वहां पे आपको पल्स जो है वो क्लियर नजर हां बिल्कुल स्नेहा पल्स रेट एंड हार्ट रेट सेम है मोहम्मद गाजी साहब थोड़ा इंतजार कीजिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन की भी मुझे नॉलेज है मैं जरूर बता दूंगा आपके सब्र की आवश्यकता है उसमें आप सब्र बनाए रखिए आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ठीक है जी राइट मैंने राजा बेटा कितने लाइक्स और बढ़ेंगे अभी जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है वीडियो जल्दी से लाइक ठोकिए एनर्जी का लेवल कम नहीं होना चाहिए चलिए अब देखिए एक ब्यूटीफुल सा एनिमेशन आपके लिए यहां आप देख पा रहे हैं ब्लड वेसल के अंदर देखिए ये जो येलो येलो कलर के सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो रखे हैं ब्लड वेसल की वॉल में ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे आप देख रहे हैं कि ये और बढ़ते जा रहे हैं होता क्या है दो डिसऑर्डर्स हम यहां पे पढ़ेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस कौन से दो पढ़ेंगे कनीज फातिमा जी अंश जी दैट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस फर्क क्या है दोनों में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो होता है इसमें क्या है देयर इज हार्डनिंग ऑफ द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कैल्शियम एक्सेस में होने से ब्लड वेसल की वॉल में अगर वो डिपॉजिट होता है तो ब्लड वेसल की वॉल सख्त हो जाएगी हार्ड हो जाएगी ये आर्टरीज या वेन्स ये समस्या दोनों में हो सकती है आर्टरीज में ज्यादा संभावना रहती है राइट देयर इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल एंड सच वेसल्स विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द प्रेशर एंड दे कैन रप्चर इजिली क्लियर दिख रहा है वेसल आपको काट के 3D वे में दिखाया गया है यहां पे सो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है व्हिच इज ड्यू टू Deposition of calcium, then atherosclerosis, ATHU. Shambhu, देखिएगा अगले स्लाइड में मैंने atherosclerosis के बारे में बताया है. Atherosclerosis, spelling अलग थे. Arteriosclerosis, atherosclerosis. It is due to deposition of cholesterol and other fatty substances between tunica interna and tunica media layer. आपको याद होगा मैंने blood vessel की wall की layers बताई थी tunica interna, tunica media, tunica externa. तो atherosclerosis में cholesterol and other fatty substances जो है वो deposit हो जाते हैं जिसके कारण से क्या हो जाता है There is formation of atheromatous plaques. वहां पे प्लाक्स या ये प्लेक्स बन जाते हैं विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज ये प्लाक धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा और अगर इस तरह का कोई एथेरोमेटस प्लेक कोरोनरी आर्टरी में बना हुआ कोरोनरी आर्टरीज कौन सी हैं जो हार्ट की वॉल को ब्लड देती हैं अगर ये प्लाक वहां बना हुआ तो इट कैन रिजल्ट इन हार्ट अटैक आल्सो जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं सो आई होप आपको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो कैल्शियम डेपोजिशन के कारण था और एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें कोलेस्ट्रॉल एंड अदर फैटी सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा आपको कोई नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है यहीं पे सारा स्टडी मटेरियल अपलोड हो जाएगा बेटा जी आपके लिए और यही आपके काम आएगा इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए इट कैन रिजल्ट इन हार्ट अटैक नीता बिल्कुल आपने ठीक कहा अगर अगर ये कुछ कोरोनरी आर्टरी में हुआ सो ये देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस में एक चीज और बताई है मैंने आप यहां देखिए जो बात मैंने पीछे कही थी ना कि ये कैसे डिपॉजिट हो रहा है ये कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ ब्लड वेसल की ल्यूमेन अंदर से सिकुड़ गई नैरो हो गई थ्री डायमेंशनल वे में ये पिक्चर आपको हर चीज क्लियर
कर रही है. पिक्चर पसंद आई है, जल्दी से लाइक ठोकिएगा उसके लिए. ग्रेट. एथेरोस्क्लेरोसिस में देर इज रिलीज ऑफ पीडीजीएफ, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर. What is PDGF? Full form you have to remember. The platelet derived growth factor jo hai, it causes proliferation of the smooth muscles. Platelet derived growth factor proliferation of the smooth muscles karta hai. Right? Smooth, aap dekh lijiye diagram, main side mein hat jata hu, aapko clearly dikh jayega. Smooth muscles jab proliferate karenge to kya ho jayega? Dekhiye, there is proliferation of smooth muscles of the wall of blood vessel making the lumen further narrow. Aap jante hain jo muscles hote hain, smooth muscles, wo normally divide nahin karte hain. Muscles mein divide karne ki ability hi nahin hoti. To ye ek exceptional situation hai jahan pe platelet derived PDGF growth factor ke release hone ki wajah se smooth muscles proliferate karne lag jate hain. और स्मूथ मसल का प्रोलिफरेशन होने के कारण वहां पे और ज्यादा ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है. क्लियर है जी? राइट. शिवेंद्र ने कहा प्लाक फॉर्मेशन. प्लाक फॉर्मेशन का कारण है कोलेस्ट्रॉल एंड अदर फैटी सब्सटेंसेस का डिपॉजिट होना. थैंक यू सो मच जी. क्लियर हो रहा है? वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. नाउ आने वाली क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है. जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है किसी कारण से, थ्रोम्बस हो सकता है कि किसी क्लॉट के कारण ब्लॉक हो गई है या एम्बोलस के कारण, दैट रिजल्ट्स इन मायोकार्डियल इश्कीमिया. मायोकार्डियल इश्कीमिया मतलब हाइपोक्सी ऑफ द मायोकार्डियम, कि मायोकार्डियम के मसल्स को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वो अगर ज्यादा देर तक सिचुएशन रही, देयर कैन बी डेथ ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर्स. तो ये वाली स्लाइड आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, पर इसको समझाऊंगा आपको अगली क्लास में. आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसे अच्छे से पढ़ के आएंगे. सो इसमें हम फिर डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक होने से पहले क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को फील हो सकते हैं. देर आर साइलेंट हार्ट अटैक्स ऑल्सो. और ये जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक ओल्ड एज में हो, छोटे बच्चों में भी हो सकता है. हार्ट अटैक कोई एज देख करके नहीं होगा. क्लियर है जी? सो ये सारी चीजें हम अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं. देन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द बैलूनिंग ऑल्सो, कि किस तरह से वो जो प्लाक्स बने होते हैं उन्हें बैलूनिंग से हटाया जाता है. एंड कैबेज प्रोसीजर CABG, दैट इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में. राइट मेरे बेटा जी? ठीक है, क्लियर है जी इतना? चलिए क्लास की एंड में अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन आपने अभी तक नहीं लिया है, सो प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है आप ले लीजिए जरूर. और लेते टाइम ध्यान रखिएगा, नीट लाइव कोड जरूर यूज कीजिएगा. वो हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है. टेलीग्राम का ऐप भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा. 7 days का जो फ्री ट्रायल चल रहा है उसे जरूर अवेल कीजिए. एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज Unacademy NEET Live, right? जो कि लाइफ लाइन है आपके लिए. ECG पढ़ा है ना आप, सो ये लाइफ लाइन है आपकी. इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. सारे के सारे नोट्स PDF की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे. राइट जी? सो आई होप यू हैड अ वंडरफुल सेशन. और कहीं जाइएगा मत, अब आपकी धुआंधार केमिस्ट्री क्लास होने वाली है. आपके केमिस्ट्री सर आ चुके हैं. जल्दी से पानी पी के, नींबू पानी रूह अफजा पी के वापस लौट आइए. एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वायरल कीजिए. सरस्वती का ये नियम है कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है. चलिए बाय बाय, नमस्कार, सी यू